तो सर देखो, हमारे चारों तरफ बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स हैं, काफी हमारे फेवरेट्स हैं, काफी ऐसे भी हैं जो फेवरेट तो हैं लेकिन हम शायद पर्सनली यूज नहीं करते हैं या पसंद नहीं करते हैं, व्हाटएवर इट इज। लेकिन हर एक ब्रांड के पीछे होती है एक सीक्रेट कहानी, और हमको अक्सर ये नो इच्छा होती है चेक करने की कि आखिर यार क्या वो चीजें हैं जो इस ब्रांड ने की होंगी, या क्या इनके ऐसे ऑपरेशनल सीक्रेट्स हैं जिनके चलते ब्रांड्स बड़े बन पाए हैं। तो मैं लेके आया हूँ एक नई सीरीज जहाँ पे हम बात करने वाले हैं टेक दुनिया के बहुत सारे ब्रांड्स के बारे में, एक के बाद एक के बाद एक। और शुरुआत हमने कर ली है एप्पल के साथ। आज हम इस वीडियो को अगर एक तरह लाइक और शेयर करते हुए और हम पता लगाते हैं कि आखिर एप्पल के वो कौन से स्पेशल सीक्रेट्स हैं जिनकी वजह से एप्पल ने ये पोजीशन हासिल की है। उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। अरे देखो, ये बात तो क्लियर है कि एप्पल सिर्फ एक टेक ब्रांड नहीं है। यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये एक लाइफस्टाइल का हिस्सा है जिस तरीके से एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को पोजीशन करता है। और इनफैक्ट ये कोई नई बात नहीं है। 1986 में एप्पल के शुरू होने के कुछ साल बाद ही एप्पल ने ट्राई किया था कि वो जो है अलग अलग बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके आने की मार्केट में पूरी कोशिश करके बैठा था, इंक्लूडिंग सनग्लासेस, वॉचेस, कपड़े और बहुत कुछ। वैसे मजे की बात कि आज की डेट में भी एप्पल अपने कपड़े बेचता है, एप्पल अपने नोटबुक्स को बेचता है, पेन्स को बेचता है और ऐसी और बहुत सारी चीज़ों को बेचता है, बट केवल कुछ सेलेक्टेड एप्पल स्टोर्स में जो कि हैं एप्पल हेडक्वार्टर्स कुपर्टिनो में। यार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है मार्केटिंग को लेके। मतलब आज की डेट में जहाँ पे ब्रांड्स जो हैं वो एकदम ऐसे डेस्परेट होते हैं कि कैसे वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेस्ट पोजीशन कर पाएं, उनके एड्स बना बना के चारों तरफ जो है वो हमको घेर के अपनी सेल्स करवा पाएं। बट फॉर अ फैक्ट, जब एप्पल ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया 2007 में, तो उस टाइम पे एप्पल ने मार्केटिंग के लिए कोई खर्चा नहीं किया, क्योंकि एप्पल का ये मानना था कि उनको जरूरत ही नहीं है, फोन इतना अच्छा है कि मार्केटिंग में कुछ पैसा खर्चा नहीं किया। बट उसके बाद 2008 में एप्पल ने खर्च किया ऑलमोस्ट $100 मिलियन, 2009 में एप्पल ने खर्च किया ऑलमोस्ट $150 मिलियन और 2010 में एप्पल ने खर्च किया ऑलमोस्ट $170 मिलियन मार्केटिंग पे। फॉर द फर्स्ट आईफोन जीरो, जिल्च, कुछ भी नहीं। दोस्तों अगर हम माने रिपोर्ट्स की तो एप्पल के पास में अपनी एक सीक्रेट पुलिस भी है। मतलब जहां पे हम बात करते हैं यार ऐसे नए नए लेटेस्ट प्रोडक्ट्स की, तो लीक्स को रोकना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। और ऐसे में एप्पल के पास में रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो एक वर्ल्ड वाइड लॉयल्टी टीम है जिसका मेन काम यही है कि भैया जो लीक्स है उनको कैसे रोका जाए, और ये किसी भी हद तक जाते हैं। कई बार तो रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि इन्होंने अपने आप को ऐसा इंपर्सनेट किया कि ये जैसे ऑफिशियल पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, क्योंकि इनको कुछ लोगों के घर को सर्च करना था आईफोन्स या इनके प्रोडक्ट्स की कुछ एविडेंस के लिए कि कहीं वो कुछ लीक्स तो नहीं कर रहे हैं। तो सोचो यार कि एप्पल कितना सीरियसली प्रोटेक्ट करता है अपने डिवाइसेस को लीक होने से बचाने के लिए। भले को एप्पल के पास में जो इनका प्रोडक्ट लाइनअप है उसमें बहुत सारे तरह तरह के डिवाइसेज हैं, और 2007 में जब एप्पल आईफोन आया था उसके बाद से मान लो पूरी दुनिया बदल गई। बट इससे पहले एप्पल ने दिमाग में बहुत कुछ सोचा था कुछ नए क्रेजी प्रोडक्ट्स के बारे में, इंक्लूडिंग एक कैमरा और एक कार। तो चीजें हुई नहीं, लेकिन अगर सब कुछ वैसा ही होता तो क्या पता हमें एप्पल का कैमरा और एप्पल की कार देखने को मिलती आईफोन से पहले। दोस्तों इनफैक्ट आप सोचो यार कि सीक्रेसी कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि स्टीव जॉब्स ने एक टाइम पे मना किया था अपने एक एम्प्लॉई को कि वो आईफोन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए किसी भी एम्प्लॉई को बाहर से हायर नहीं कर सकते हैं, नए लोगों को बाहर से नहीं बुला सकते हैं कि वो आईफोन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें। इट हैड टू बी कि भैया जो एग्जिस्टिंग एप्पल एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं में से कुछ लोगों को पिक करा जाएगा और वो बाद में काम करेंगे आईफोन प्रोजेक्ट के ऊपर। गाइज़ आज जो हमारे पास में ये पूरा फुल स्क्रीन वाला टच एक्सपीरियंस वाला आईफोन है, ये जब पहली बार लॉन्च हुआ तब से हमने ऐसा ही देखा है ना कि भाई टच स्क्रीन है, मल्टी फिंगर सपोर्ट है और ऐसा बहुत कुछ। बट एप्पल का ओरिजिनल आइडिया ये नहीं था। एप्पल का ओरिजिनल आइडिया ये था कि जो आईपॉड का नीचे क्लिक व्हील होता है उसी में ही बस नंबर वाले बटन्स को ऐड कर दें और एक फ़ोन बना के लॉन्च कर दें। बट अच्छा हुआ कि उन्होंने इस आइडिया को स्क्रैप किया और हमें मिला एक पूरा टच स्क्रीन वाला आईफोन 2007 में। गाइस एप्पल के जो प्रेजेंटेशंस होते हैं ना भैया, दे आर लाइक सुपर अमेजिंग। हम देखते हैं कि किस तरीके से एप्पल अपने नए प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करता है। फॉर अ फैक्ट, जब पहली बार स्टीव जॉब्स ने स्टेज पे आईफोन को अनवील किया 2007 के जनवरी के महीने में, उस टाइम पे फोन रेडी ही नहीं था।
वो अलग अलग फोन्स रखे थे और यू नो दे वाज जस्ट शोकेसिंग एक पर्टिकुलर पैटर्न में कि पहले उनको कौन सी ऐप चलानी है, उसके बाद वो क्या डेमो करने वाले हैं, बिकॉज सॉफ्टवेयर बार बार क्रैश कर रहा था। और फाइनली 2007 के जून महीने में एप्पल आईफोन्स पहली बार सेल पे गए। तो यू नो यू कैन इमेजिन कि एप्पल कितना परफेक्शन लेता है कि वो एकदम टाइम लगाएगा और उसके बाद वो चीज़ मार्केट में लॉन्च करेगा। इनफैक्ट फॉर अ फैक्ट कि जब पहली बार फर्स्ट आईफोन को लॉन्च किया गया तो जो टाइम था उस टाइम पे वो था 9:41, और उसके बाद से आप देखोगे कि जितने भी आपको एप्पल प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं उनके जितने भी कमर्शियल्स होते हैं, जब भी आप टाइम देखोगे ना तो टाइम इज ऑलवेज सेट टू एग्जैक्टली 9:41 टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। एक और फैक्ट कि जो फोन में स्लाइड टू अनलॉक हुआ करता था जिस टाइम पे आईफोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करता था, तब से एप्पल होल्ड्स द पेटेंट फॉर स्लाइड टू अनलॉक फीचर और कोई और ब्रांड इसीलिए इस फीचर को इस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाया। दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट एप्पल के बारे में आपको ये बताएगा कि यार ये कंपनी कितनी ज्यादा यू नो ध्यान से वैल्यू करती है अपनी इमेज के बारे में, जहां पे रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो एप्पल मूवी मेकर्स को मना करता है कि जो विलेन कैरेक्टर्स हैं वो एप्पल प्रोडक्ट्स यूज करते हुए दिखाई नहीं देने चाहिए। मतलब कैन यू इमेजिन कि किस तरीके से एप्पल यू नो अपने कॉपीराइट सिस्टम को वहाँ पे मतलब फंक्शन में लेके आता है कि किसी भी मूवी में आप अगर देखोगे आज तक तो कभी भी कोई भी आपको विलेन जो है एप्पल प्रोडक्ट यूज करता हुआ नहीं दिखाई देगा। व्हाट अ क्रेजी थिंग यार। गाइस एप्पल प्रोडक्ट्स की जो सबसे खास चीज होती है वो है उनकी पैकेजिंग। मतलब आपको ये जान के यार ब्रो बहुत तगड़ा सरप्राइज मिलने वाला है कि एप्पल के पास में इनकी पैकेजिंग को लेके भी एक स्पेशल टीम है। जिस तरीके से आप किसी भी एप्पल प्रोडक्ट के बॉक्स को खोलते हैं तो बेसिकली एप्पल के पास में इसको लेके भी पेटेंट्स हैं और ये एक मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस लेके आते हैं। मतलब यू नो इनका पूरा ध्यान जाता है कि जो इंसान पहली बार एक अपना एप्पल प्रोडक्ट लेता है तो जब वो टैब को हटाता है, जिस फ्रिक्शन के साथ बॉक्स ओपन होता है, ओपन होते ही आपको अंदर आइटम मिलता रखा हो, मतलब ये भी मतलब यू नो ह्यूमन इमोशंस के साथ में खेलते हुए ऐसे डिजाइन किया जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास हो। एंड इट्स सेम फॉर ऑल द एप्पल प्रोडक्ट्स। मजे की बात कि अभी आपको एप्पल प्रोडक्ट्स में कोई भी प्लास्टिक जो है वो ऊपर लेयर देखने को नहीं मिलती है, और एप्पल ने जब इस प्लास्टिक लेयर को हटाया तो हमको ये मालूम चला कि टोटल 600 मेट्रिक टन्स प्लास्टिक जो है उसको यूज मैनेज से रोका जाएगा सिर्फ उस पतली सी प्लास्टिक शीट को हटा के। वैसे यू नो अगेन मैंने आज तक इतनी बार प्रोडक्ट्स को अनबॉक्स किया है, एप्पल अनबॉक्सिंग्स आर माय फेवरेट। यार एक और चीज जो आपको बताएगी कितना बारीकी से ध्यान रखता है एप्पल अपने एम्प्लॉयज का, वो ये कि एप्पल मना कर सकता है आपको कि भाई वो आपके प्रोडक्ट को रिपेयर नहीं करेगा अगर उसे ये मालूम चलता है कि आपने उसके नजदीक स्मोक किया है तो। बिकॉज एप्पल का ये मानना है कि जो रेसिड्यूअल टार डिपॉजिट्स होंगे इस यू नो स्मोकिंग की वजह से प्रोडक्ट्स के अंदर, वो उनके एम्प्लॉयज के लिए बायो हजार्ड की तरह से एक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप स्मोक करते हैं तो मेक श्योर कि आप अपने मैक या फोन से दूर ही करें, बस तो छोड़ ही दें, लेकिन अगर नजदीक करेंगे और अगर कुछ दिक्कत आई तो एप्पल माइट से नो। एप्पल ना अपनी इमेज को एकदम ऐसा ग्लोबल समझता है और इसीलिए दिस इज द रीजन कि एप्पल इज द ओनली टेक ब्रांड इन द वर्ल्ड जो दुनिया भर में अपने सभी प्रोडक्ट्स की वारंटी को ऑनर करता है। डजंट मैटर कि आपने फोन किसी भी कंट्री से लिया हो, आप दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट की वारंटी को क्लेम कर सकते हैं। इनिशियली ये केवल मैक और आईपैड्स के लिए हुआ करता था, बट राइट नाउ इट्स एप्लीकेबल फॉर ऑल द एप्पल प्रोडक्ट्स। ये वैसे एप्पल की एक और बहुत ही कमाल पॉलिसी है, अनफॉर्चुनेटली हमको वो इंडिया में देखने को नहीं मिलती है बिकॉज ऑफ आर देसी इंडियन एटीट्यूड, बट एप्पल के पास में दुनिया भर में जो यू नो आप देखोगे सेल्स होते हुए, वहां पे ऑप्शन होता है कस्टमर्स के पास में कि वो 14 डेज के अंदर अंदर अपना प्रोडक्ट रिफंड के लिए वापस दे सकते हैं। आप एक नया एप्पल लैपटॉप ले लो, आईपैड ले लो, आईफोन ले लो, उसको आप यूज करो, बड़े आराम से यूज करो, और अगर आपका एक्सपीरियंस तो लगता है कि नहीं यार ये मजा नहीं आ रहा है तो एप्पल को आप वो प्रोडक्ट वापस दे सकते हो और एप्पल आपके पूरे पैसे वापस देगा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। इंडिया में अगर ये चीज़ हो
तो फिर लोग पार्टी के लिए आईफोन लें और दो हफ्ते यूज करके दें, और एप्पल को सब कुछ पता है, इसलिए ये चीज अनफॉर्चुनेटली हमें इंडिया में देखने को नहीं मिलती है। और आई थिंक इट्स वन सीक्रेट कि एप्पल सक्सेसफुल हो रहा है, अदरवाइज वो ले लेके सामान वापस, नो पता नहीं कितना गरीब हो जाएगा यार। दोस्तों एक और सीक्रेट जो एप्पल को एप्पल बनाता है वो है उसका इकोसिस्टम। जिस तरीके से एप्पल के जो प्रोडक्ट्स है ना वो स्टार्टिंग से ये सोच के डेवलप किए जाते हैं कि वो आपस में एक दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ में कितने अच्छे से कंपैटिबल होंगे और कितने अच्छे से काम करेंगे। मजे की बात कि एप्पल कभी भी फर्स्ट नहीं रहा है, यू नो रेयरली ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि एप्पल कुछ नया लेके आता है, अदरवाइज हम देखते हैं कि वो टेक्नोलॉजी जो होती है वो पहले से एग्जिस्ट करती है, बट जब एप्पल उसको इंप्लीमेंट करते हैं अपने फोन्स में तो डेफिनेटली एक यूनिक एक्सपीरियंस लेके आता है और परफेक्शन की तरफ एप्पल काम करता है। अब गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑल्दो हम इंडिया में इंतजार कर रहे हैं एप्पल के पहले एप्पल स्टोर के बारे में, लेकिन एक मजे की बात कि दुनिया भर में जितने भी एप्पल स्टोर्स हैं और मैंने भी जितने भी एप्पल स्टोर्स में विजिट किया है वहां का एक्सपीरियंस एकदम अलग ही होता है। मतलब जब आप स्टोर में जाते हो तो कोई एप्पल एम्प्लॉय आपके पास में आता ही नहीं है पूछने के लिए कि क्या चाहिए, किसलिए आए हो, कौन सा प्रोडक्ट दिखाऊं, नया ये आया है, मतलब आपको कोई डिस्टर्ब ही नहीं करता है। एक्सपीरियंस कुछ ऐसा होता है कि आप बस अंदर जाओ और मजे से आप एक्सप्लोर करो, ट्राई करो, आप दिन भर बैठे रहो वहां पे एक मैक को यूज करते हुए। एप्पल कोई भी एम्प्लॉय जो है वो नहीं भेजेगा आपके पास कि वो आपको इंटरप्ट करे। बेसिकली उनके पास में एक प्रॉपर अपना प्रोसीजर है जो एक्रोनियम बनता है APPLE, और ये बताता है कि किस तरीके से एप्पल एम्प्लॉयज जो हैं वो स्टोर्स में काम करते हैं। ये बाकी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स की तरह नहीं होता है कि जैसे ही आपने अंदर घुसा आपके ऊपर अटैक हो गया भैया बिनो सेल्समैन का कि बताओ कौन सा सर दिखाऊं चीज क्या ये नया है, कि आप घबरा के बाहर भाग जाओगे। एप्पल का जो माहौल है वो एकदम इनवाइटिंग है, वो चाहता है कि सब लोग आए एक्सपीरियंस करें हमारे प्रोडक्ट्स को, और हो सकता है उनमें से कोई इंसान आगे चल के पोटेंशियल एप्पल कस्टमर बन जाए। तो यार देखो कितने सारे सीक्रेट्स थे और ये सब चीज़ें जो हैं वो मिलके आज जो एप्पल है उसको अपनी पोजीशन पे लेके आती हैं। मैं वैसे आपके लिए सीरीज में आगे और ब्रांड्स के बारे में भी बात करने वाला हूँ। हम बात करेंगे सैमसंग, टेस्ला, गूगल, फेसबुक के क्या ही सीक्रेट्स हैं, वो हमारे सीक्रेट्स लेके बैठा है। बट देन अगेन हम बात करने वाले अलग अलग ब्रांड्स के बारे में, उनकी सक्सेस स्टोरीज के बारे में। आप बताओ वैसे कि आपके लिए फेवरेट एप्पल का कौन सा सीक्रेट था, या क्या आपके दिमाग में कोई और सीक्रेट्स भी है जो शायद मुझे नहीं पता। नीचे कमेंट करते हुए वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए मन कर जरूर बताना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।